रामगंज थाना अंतर्गत सब्जी मंडी के सामने बुधवार रात अज्ञात चोर अंग्रेजी शराब की दुकान से लाखों रुपए की शराब चुरा कर ले गए। शराब ठेकेदार की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दुकान के सेल्समैन ज्ञान सिंह ने बताया कि रात 8 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब दुकान पर आए तो दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ मिला। दुकान के अंदर जाकर देखा तो चोर विभिन्न ब्रांड्स के लगभग 95 पेटी अंग्रेजी शराब चुरा कर फरार हो गए। सेल्समैन के अनुसार चुराई गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। सब हाई रेंज और के ना मतलब बीपी रेंज ओसी की 40 पेटी के लमसम ओसी की है और 30-35 पेटी एसी के पवे निकले हैं और बाकी हाई रेंज जो पड़ा था वो दुकान में सारा काउंटर खाली करके चले गए। ये माल तो परसों भी 2 लाख का आया, पहले भी पड़ा था कि ना मतलब ये बात किस तरीके से घुसा है चोर ये ताला तोड़ के अंदर घुसा कि नहीं मतलब पहले कि ना मतलब आए पहले लाइट कटौती करी वहाँ से लाइट स्विच काट दिया वहाँ से तार काट दिए फिर यहाँ गाड़ी लगाई फिर गाड़ी के आड़ में ये तोड़ के फिर गाड़ी में लोड करके लेके गए। रामगंज थाना प्रभारी नानू राम ने बताया कि पिछले दिनों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी चोरियों की वारदात हो रही है जिसके पीछे कोई गिरोह का हाथ है। बरहाल ठेकेदार की रिपोर्ट पर चोरों के खिलाफ चोरी और आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। रात को जो है 2:30 बजे करीबन ये अपने ब्यावर रोड पे एक वाइन्स की दुकान थी, गोविंद सिंह पुत्र राम सिंह खानपुरा रोड पे जो रहने वाला है उसकी यहाँ लाइसेंस की दुकान है। कोई अज्ञात बदमाशान एक 4-व्हीलर लगा के और उसमें से 2 पेटी महंगी दारू, 1 पेटी एंटीक्विटी, 19 पेटी बोतल ब्लेंडर और 15 पेटी अद्दा और 58 पेटी पौवा इनकी रिपोर्ट दी है। जो करीबन बता रहा है वो उसके हिसाब से वो कह रहा है कि 3,54,000 रुपए का ये जो है शराब है कोई अज्ञात बदमाश रात को ले गया है। रामगंज थाना अंतर्गत चंद्रवरदाई नगर में गत 24 जून को हुई चोरी के आरोपी को रामगंज थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने इसी इलाके में 2 चोरी करना कबूला है। थाना प्रभारी नानू राम ने बताया कि कृष्णगंज थाना अंतर्गत वकील के घर में चोरी के आरोप में पकड़े गए फकीरा खेड़ा निवासी रमजान उर्फ कालू को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी रमजान ने चंद्रवरदाई में सुशील खांडेकर के घर से चोरी और दौरा स्थित एक मोबाइल शॉप से चोरी करना कबूल किया है। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। चोरी किए गए माल की बरामदगी की जाएगी। 3-1 महीने पहले एक चोरी हो गई थी चंद्रवरदाई में, कुछ सामान ले गए थे बदमाशान, तो उसमें कालू रमजान नाम का एक युवक है जो फकीर अखेड़ा का रहने वाला है और उसके द्वारा चोरी किया होना हमें मालूम चला है। कालू रमजान को हम प्रोडक्शन वारंट के तहत लाए हैं, उससे शाम को पूछताछ में उसने बताया कि भाई मैंने जो है ये चोरी स्वीकार की है, चंद्रवरदाई नगर में मैंने चोरी की थी ये स्वीकार की है उसने। और दूसरी चोरी कही है दोराई में कोई मोबाइल की दुकान पे चोरी की है, उसके लिए बता रहा है कि मैंने ये चोरी की है, तो उसकी निशानदेही पर मोबाइल वगैरह बरामद किए जाएंगे। 2 साल पहले स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े का नतीजा गुरुवार को निकला, जब कल की बात पर बातचीत करने आए एक पक्ष के छात्रों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया। फाइसागर रोड निवासी घायल अखिलेश सिंह ने बताया कि 2 साल पहले ऑल सेंट स्कूल में साथ पढ़ रहे साकेत और संचित से विवाद हुआ था। तब से साकेत और संचित दुश्मनी निकालने पर आमादा थे। गुरुवार को श्रीनगर रोड स्थित मातृ मेडिकल स्टोर के पास साकेत और संचित ने एक राय होकर अपने साथियों की मदद से तलवार और सरियों से बात करने आए अखिलेश और अभिनंदन से मारपीट शुरू कर दी। झगड़े की सूचना पाकर अलवर गेट थाने से एएसआई केसर सिंह नरूका मयजाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को थाने ले आए जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। भैया वो 3-4 लोग थे हमें मारने आए थे, 2 साल पुरानी बात की रंजिश निकालने आए थे, हम सिर्फ यहाँ पे अंकल से बात करने आए थे, अंकल भैया में क्यों मारने आए थे, कल टीए मार के गए हमें, तो हम मारने के लिए तो अभी आज तलवार सरिया वगैरह लेके हमें मारने आ गए थे यहाँ पे, हम शोरूम में बाकी हम बचे हैं, वो शोरूम के अंदर भी आए थे।